हर हर महादेव, जय शिव जय भोले बाबा। तो दोस्तों, मैंने तारापुर तक मैंने वीडियो दिखाया था पिछले वीडियो में, और इस बार मैं तारापुर से स्टार्ट कर रहा हूँ, और मोहनगंज भी शायद इसको कहा जाता है, यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट कर रहा हूँ और आगे जाऊँगा, और जितना किलोमीटर होगा वो दिखाऊँगा। बेसिकली मैं बता दूँ, सुल्तानगंज से अगर यहाँ तक आइएगा तो इसका टोटल 21 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं, और आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, भाई को सपोर्ट करने के लिए स्क्रीन पे जो फ़ोनपे नंबर दिया है उस पर आप जो भी आप सपोर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। चलिए आगे ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं, चलें। तो दोस्तों, फाइनली तारापुर, या इसको मोहनगंज भी कहा जाता है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया। अभी जहाँ पे हम गाड़ी लगाए थे और जहाँ से चलना स्टार्ट किया, वहाँ पे एक होटल था जो कि चालू था। उनसे मैंने बात किया तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया कि अगर आप खाना वगैरह खाना चाहते हैं तो आप उनको बोलेंगे, ऑर्डर देंगे, तो आपको खाना बना के खिलाएँगे वहाँ पर। अब बस आपको समय देना पड़ेगा, जैसे आए आपको खाना चाहिए तो उनको बोलिए कि हमको इतना 4 प्लेट 5 प्लेट जितना प्लेट चाहिए वो खाना हमको चाहिए, बना के खिलाइए। तो उसको समय के आधा पौने घंटा अगर समय देंगे तो वो तुरंत बना के आप खिला भी देंगे। अब बात रही कि कितना कैसे कैसे प्लेट दिया जाएगा, तो उनसे मैंने बात किया तो बोला 60 रुपये प्लेट है, एक प्लेट में आपका जो भी होगा वो आप एक प्लेट में 60 रुपये लेगा, और अगर आप चाहते हैं भरपेट खाने के लिए तो उन्होंने 100 रुपये चार्ज किया कि अगर आप भरपेट खाना चाहते हैं तो 100 रुपये आपको लगेगा। तो मैंने उनसे पूछा कि 100 रुपये में आप क्या क्या दोगे, तो उन्होंने बताया 100 रुपये में आपको जैसे क्या हुआ, दाल रहेगा, चावल रहेगा, सब्जी रहेगा, फिर पापड़ रहेगा, और तिलोरी जिसको बोल सकते हैं कोई फुलेरी वगैरह जो होता है ना, पकौड़ी वगैरह, वो सारी चीज़ भी रहेंगे। टोटल 100 रुपये लगेगा और भरपेट आपको खिलाएगा, ठीक है। और अगर चाहते और भी कुछ आगे उसमें अगर आप खाने के लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अलग से जो जो ऑर्डर कीजिएगा अलग से उसका पैसा लगेगा। लेकिन उन्होंने 100 रुपये में जो भरपेट खाने की बात कही तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ बताया, ठीक है। तो वो था एक दुकान जहाँ पे हमने रुका था, और वो जगह कहाँ था, तारापुर जो एक मेन रोड क्रॉस करते हैं जस्ट उसके आगे, ठीक है। तो चलिए, अब मैं आपको वहाँ के बारे में बता दिया, लगभग आप सुल्तानगंज से 21 किलोमीटर कवर कीजिएगा, अब बस जो जगह मिलेगा वहाँ पे आपको एक होटल मिलेगा। मुझे अभी सुल्तानगंज से यहाँ तक जब आया तो 2 ही होटल अभी मिला, एक शाहपुर में मिला, दूसरा ये तारापुर में, ठीक है। तो ये दोनों जगह चालू है, आप ऑर्डर दीजिए, आपको मिल जाएगा खाना। लेकिन मैंने एक चीज़ गलती कर दी, अगर उनसे मुझे अगर कॉन्टैक्ट नंबर लिए हुए रहते हैं तो शायद अगर आप पहले आते, मतलब आने से पहले अगर उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम लोग वहाँ ज़्यादा दूर तक देर रुकेंगे नहीं, खाएँगे और निकलेंगे, और वहाँ से आप ऑर्डर जैसे कि 2-3 किलोमीटर पीछे रहते हैं आप उसको ऑर्डर कर देते हैं तो आपका बना के खाना रहता, क्योंकि उनका जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर हम जो मंथली जो चलता है, जो महीना वाला जो कवरिया बम रहते हैं, हर महीना चलते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, उनको फ़ोन कर दिया जाता है कि हम लोग इतने देर में आएंगे, बना के रखिएगा जो जो चीज़, वो बना के रहते हैं, चाहे आप चावल खाएँ, रोटी खाएँ, जो भी खाना है वो सारी चीज़ अवेलेबल कराएंगे। तो ये रहा आपका, मैंने बताया कि उस होटल के बारे में। अब ये कवरिया पथ में चल रहे हैं तो वहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी लगभग हम कितना 1 किलोमीटर आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। वहाँ से ऐसे बात करते करते मैंने 1 किलोमीटर तय कर लिया हूँ, और ये देख सकते हैं ये पूरा कवरिया पथ जो है बहुत ही अच्छा भी है, इधर भी है, और ट्यूबवेल देखते हैं कितना दूर मिलता है, और भी दुकान इधर हमको लगता है 1-2 और खुला हुआ है। तो देखिए, जहाँ पे गांव है तो वहाँ पे एक दो दुकान ऐसे खुला हुआ रहता है ताकि गांव का भी आदमी आके वहाँ पे कुछ खरीद सकता है। तो इस वजह से देखिए, यहाँ पे भी खुला है जो कि नज़दीक ही है तारापुर से, जो मैंने बताया, और ये तो वहाँ से आपको नज़दीक ही पड़ेगा। आगे जो हमारा यहाँ पर बोल रहा है मनिया मोड़, यहाँ से हमारे 8-6 किलोमीटर पड़ेगा मनिया मोड़। तो चलिए देखते हैं, एक यहाँ पे भी होटल है, ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा खाना। सेम प्रक्रिया है जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया, उसी तरह इधर भी आप कर सकते हैं।
रुकिएगा तो आपको खाना बना के दिया जाएगा। क्योंकि देखिए ज़्यादा यहाँ पे बम चल नहीं रहा है, जब ज़्यादा बम चल नहीं रहा है तो बेहिचक है कि कोई भी खाना बना के नहीं रखेगा, क्योंकि उनका बर्बाद ना हो जाएगा। इसलिए आपको समय देना पड़ेगा, तब आपका बनेगा। तो मैंने अभी देखा कि तारापुर से जब स्टार्ट किए, एक या डेढ़ किलोमीटर हम लोग आसपास आए, लगभग डेढ़ किलोमीटर, तो उसके बीच में हमें 3 होटल मिला, ठीक है। और इधर देखिए यहाँ पे चापानंद, ये भी एक मिला हमको चापानंद, ठीक है। आगे ये सब तो दुकान देख ही रहे हैं, ये सब अगर दुकान देखे तो ये सब उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सब ऐसे है। फिर सावन आएगा तो फिर ये सब का चलेगा सारा दुकान, अभी सावन नहीं है तो नहीं चल रहा है। और बहुत कोई एक चीज़ पूछ रहे थे कि इस बार सावन लगे या नहीं, मैं भी आप लोगों को बता दूं, कंफर्म कर दूं कि कोविड को लेके जो आप लोग सोच रहे हैं कि सावन लगेगा कि नहीं, आप उसे निश्चित रहें कि सावन लगेगा, और इस बार 2 माह का सावन लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ट्यूबवेल आपको मिल गया जो कि सुचारू ढंग से चल रहा है, और शौचालय वगैरह भी इधर आप देखें तो ये सारे से। अभी हम लोग आए हैं बीमहा, इसका नाम है बीमहा, जो कि तारापुर से लगभग कितना किलोमीटर हम लोग आए हैं, 1.7 किलोमीटर, तो बीमहा मिला। आगे देखते हैं और आगे क्या है, मनिया मोड़ 6 किलोमीटर, क्योंकि सभी काम स्टॉपेज जो होता है मनिया मोड़ होता है, इसलिए हर कोई देखना चाहता है मनिया मोड़। अब जल्द ही आप देखिए कौन सा वीडियो में मनिया मोड़ आएगा, हमको लगता है नेक्स्ट वीडियो में आपको मनिया मोड़ देखने को मिल जाएगा, इसमें तो नहीं संभव है। यहाँ पे देखिए चापानल, ये भी चालू है, इधर चापानल वगैरह तो सही दिख रहा है कि जगह जगह पर दिया गया, वैसे होना भी चाहिए इस जगह, क्योंकि इधर तो बहुत दूर में गाँव है, तो इसलिए चापानल दिया तो अच्छा किया है। और मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा ऊपर से दिखाइए, अगर पूरा ऊपर से अगर दिखाएंगे तो वीडियो जो है ना बहुत खूबसूरत दिख रहा है कि दोनों तरफ से हरियाली है और बीच में सड़क है, और इसमें अगर चल रहे हैं तो कहीं धूप कहीं छांव तो ऐसे देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी कड़ी धूप है, लेकिन उतना ज़्यादा भी धूप नहीं लग रहा है, क्योंकि इस पेड़ की वजह से बहुत ही राहत मिल रहा है हम लोगों को। और पथ बिल्कुल सही है, यहाँ पे अगर हम बोलें किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से कवरिया भाई इसमें चल सकते हैं। फिर देखें यहाँ पे माइलस्टोन जो दिखा रहा है, यहाँ पे बोल रहा है 5 किलोमीटर मनिया मोड़ है, और वाकई में 1 किलोमीटर डिस्टेंस वहाँ से मैंने कवर किया है, और रियलिटी रियल है कि यहाँ पे उन्होंने जो बताया सही बताया है। और अब तक मैंने वहाँ जहाँ से मैं रुका था वहाँ से मैंने कितना 2 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ, और थोड़ी सी इसमें और बालू होता तो कवरिया के लिए बहुत बेहतर होता, ठीक है। पैर में जो होता है ना जो छाला पड़ जाते वो नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है बेदपुर है, ये जगह जो हमारा बेदपुर आ गए हैं, और यहाँ पे ट्यूबवेल भी था एक बेदपुर, और आगे इस इधर से होकर उस पर जाना पड़ता बेदपुर, ये गाँव बीच में नहर है, इसलिए छोटी सी इसको पुलिया बना दिया गया है, उसके थ्रू से जाना पड़ता है। और ये जो देख रहे हैं ना ये नहर, इस नहर में काफ़ी ज़्यादा पानी रहता है, और अभी देख रहे हैं पूरा सूखा पड़ा हुआ, और ये नहर इसलिए बनाया गया है ताकि जो भी सावन में पानी डैम में अगर ज़्यादा पानी आ जाता है तो इससे खोला जाता है, और हाँ काफ़ी सुखाड़ जब हो जाता है, जब पानी की कमी होती है तो डैम का पानी खोल के इसमें लाया जाता है, जिससे कि सिंचाई वगैरह हो सके अच्छी तरीके से, और उससे बोल सकते हैं कि खेती जो है कृषि जो है बहुत बेहतर तरीके से हो सके। और जहाँ जहाँ पुल नहीं है तो उसके जगह देख सकते हैं बांस के बनाया जाता है, ये जो आसपास के लोग हैं अपने बांस से बना दिए जाते हैं ताकि आर पार हो सके। और आप लोग बहुत सारे जो स्नान करते हुए देखते हैं बहुत बड़ा बड़ा डैम में जो कि ऊपर से कूद जाते हैं, वो एक्चुअल में ये डैम ही रहता है, डैम का ही पानी रहता है, और डैम का पानी में जो बहाव जो होता है बहुत कम रहता है, इसी वजह से उसमें जो कूद के नहा लेता है डूबता नहीं है, क्योंकि ठहरा पानी नहीं है, और आगे जाके उसको तो मतलब कि आगे जाके उसको कहीं ना कहीं किनारा मिल ही जाएगा,
और तैराक भी रहता है उसमें, जो तैरने वाला जो रहता है वो भी उसका ट्रेनिंग अलग रहता है। तो बहुत सारे वीडियो में हम लोग देखते हैं, हम सोचते थे कैसे, लेकिन एक्चुअल में यही सब रहता है, इसमें ज़्यादा वो रहता नहीं है, पानी पूरा भरा हुआ रहता है, लेकिन आराम से आप नहा सकते हैं, डूबिएगा नहीं। ठहरा हुआ पानी रहेगा उसमें डूबने के चांसेस अधिक रहता है, चलती पानी में कितनों रफ्तार में पानी रहेगा उसमें डूबने के चांस बहुत कम रहता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक चापानल है, यहाँ पे ट्यूबवेल तो यहाँ पे मिला, और यहाँ पे मारवा ग्राम मारवा एक रेन शेल्टर है, ये देख सकते हैं, सरकारी रेन शेल्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, और यहाँ पे एक बजरंगबली का भी मंदिर है। 10 मिनट हो जाता हमारा इशारा। तो दोस्तों तारापुर से हम लोग चलना स्टार्ट किए थे, और यहाँ पे सरकारी रेन शेल्टर मोजम्मा तारापुर है, तो यहाँ पे हम लोग रुके हैं, जो कि वहाँ से हमारा 3 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, और सुल्तानगंज से अगर यहाँ पे जोड़ा जाए तो 21 और 3 जोड़ लिए कितना होगा, 24 किलोमीटर यहाँ पे दूरी पड़ता है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहाँ तक, मैं अगला वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ, तब तक वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, मिलते हैं तब तक मैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तो हर हर महादेव, जय श्री।